गणेश, ये क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ। तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन हैं। उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा। जो आज्ञा माँ। और उनकी चीजों को मत छेड़ा करो, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम आचार्य। चिरंजीवी भव। मैं तुम्हारे पिता श्री भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। क्षमा करें ऋषिवर, वो योग साधना में लीन है, आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। मैं इतनी दूर से एक बहुत आवश्यक कार्यवश आया हूँ, उनके दर्शन करना अति आवश्यक है। उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, आप फिर कभी पधारिए। तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो बालक, मैं भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करूंगा। ये असंभव है मुनिवर। रे नादान बालक, तू परशुराम के क्रोध से परिचित नहीं है। मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर, उचित यही होगा कि आप प्रस्थान करें। और अपमान, आज तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा मार्ग रोके। आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में। आगे मत बढ़िए। है ना तू बालक, अब मेरा प्रहार सहन कर। शिव जी के परसे को देखकर गणेश जी ने उसका प्रहार अपने दांत पर ले लिया। परशुराम, क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें, क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना क्रोध? आप लोग तपस्वी हैं क्या, इसीलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर प्रहार करें? माता पार्वती, क्षमा दान दें, अवश्य नीतिवश मुझसे ये अपराध हुआ है। क्षमा माते, क्षमा। आपके क्षमा मांग लेने मात्र से मेरे पुत्र का दांत तो वापस नहीं जुड़ जाएगा? वापस तो नहीं जुड़ेगा माते, पर ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। तभी से गणेश जी का नाम एक दंत भी पड़ गया। एक बार सुर्प दमन नाम के एक राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शंकर को खुश कर लिया। हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए हैं सुर्प दमन। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? जय हो भोलेनाथ, धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। मुझे वरदान दीजिए कि मैं अजय हो जाऊं, कोई भी मुझे परास्त न कर सके। तथास्तु। मैं अजय हो गया, अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। अब देवतागण बचकर कहां जाएंगे? हाहाहाहा।
वरदान से देवलोक पर मुसीबत आ गई। सुर्ख दमन ने देवताओं को हराकर बंदी बनाना शुरू कर दिया। इंद्रदेव बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। राक्षस राज, सब देवताओं को बंदी बना लिया है, सिर्फ इंद्रदेव बच निकले हैं और दक्षिण भारत की पहाड़ियों में जाकर छिप गए हैं। उसको भी ढूंढकर बंदी बनाओ। मैं कैलाश पर्वत जा रहा हूँ अपने इष्ट देव शंकर जी से मिलने। भागे जा रहे हो वरुण देव? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो रुक जाओ। मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाऊंगा। सच? तुम भी और देवताओं की तरह बंदी नहीं बनना चाहते तो मेरा एक काम करो। काम? कैसा काम? मेरे प्रकोप से डरकर इंद्र दक्षिण भारत में कहीं छुप गया है। दक्षिण भारत वासियों ने उसे छुपाकर मुझसे गद्दारी की है, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम वहां मेघ ले जाना बंद कर दो, एक बूंद पानी भी वहां ना बरसने पाए। सूखे से तड़पेंगे तो इंद्र को मेरे हवाले कर देंगे। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, वरना तुम भी। मैं मजबूर हूं, इस दुष्ट की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। प्रकोप से पूरे दक्षिण भारत में सूखा पड़ गया। वहां की बुरी हालत देखकर ऋषि अगस्त्य का मन भर आया और वो ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए यज्ञ करने बैठ गए। ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा। 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 ओम ब्रह्म देवताभ्यो। ये कौन हमारा आह्वान कर रहा है? आपका यज्ञ सफल हुआ मुनिवर। कहिए क्या चाहते हैं? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रभु, आप इस प्रदेश की हालत देख रहे हैं,
पानी की एक बूंद नहीं है। इंसान, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे सब नष्ट हो रहे हैं। आप तुरंत कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जाइए। उनकी जटा से गंगा बहती है, वही आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आज्ञा दीजिए प्रभु। अब मुनिवर ये जल लेकर दक्षिण भारत जाएंगे, क्यों ना हम भी चले। मैंने दक्षिण भारत का प्रदेश नहीं देखा है। उनसे पूछो, वो हमें साथ ले चलेंगे। पूछने पर तो कभी नहीं ले जाएंगे। हम चुपचाप इनके पीछे पीछे चलते हैं। इतनी दूर तक तो मैं थक जाऊंगा प्रभु। आलसी कहीं का, चल बड़ा आनंद आएगा।
वहाँ पशु पक्षी पानी के बगैर प्यासे मर रहे हैं और मुनिवर आराम करने बैठ गए। मैं तो थक गया चलते चलते। मुनिवर भी थके हुए हैं, कहीं सो गए तो ना जाने कितना समय व्यर्थ हो जाए। हाँ, परंतु हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मुझे एक युक्ति सूझी है, तू यहीं बैठकर तमाशा देख। नहीं, अरे मूर्ख, ये क्या किया? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, काले मुंह के राक्षस, मैं तुझे श्राप देता हूं। अरे गणेश जी, आप क्षमा करें मुनिवर, समय नष्ट हो रहा था इसीलिए मैंने आपका कार्य आसान कर दिया। वो देखिए, धन्य हो प्रभु, मुझसे पहचानने में भूल हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं मुनिवर, आपने तो पृथ्वी लोक के भलाई के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। युगों युगों तक ये कावेरी नदी इसी तरह बहती रहेगी और इसका जल प्राणियों को जीवन दान देगा। स्नान करने चलना है। तुम ही जाओ कार्तिक, आज भोजन की मात्रा थोड़ी अधिक हो गई है, मुझे नींद आ रही है। बहुत अधिक खाकर आप बड़े आलसी हो गए हैं भैया। हाँ, व्यर्थ की बात है, मैं तुमसे अधिक चुस्त और फुर्तीला हूँ। रहने दीजिए भैया, आप तो मेरे साथ दौड़ भी नहीं पाएंगे। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते कार्तिक। नारायण नारायण, आप दोनों में से कौन अधिक सक्षम है, इस बात का निर्णय तो एक स्पर्धा से ही हो सकता है। कैसी स्पर्धा मुनिवर? आप दोनों ही पूरे विश्व के 3 चक्कर लगा कर आए
जो पहले वापस आकर अपने माता पिता को प्रणाम करेगा वही विजयी घोषित किया जाएगा। नारायण नारायण। पूरे विश्व के तीन चक्कर, मैं मूर्छित हो रहा हूँ प्रभु। मुझे स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। चक्कर पूरे हो गए मुनीवर। कैसे, आप तो यहाँ से गए ही नहीं। आप तो सब जानते हैं मुनीवर, मेरे माता पिता में पूरा विश्व समाया हुआ है। उनका चक्कर लगा लिया तो हो गया पूरा विश्व का चक्कर। सचमुच आलसी हो गए आप। इन्होंने आपसे पहले ही विश्व के तीन चक्कर पूरे कर लिए हैं और ये विजयी घोषित भी हो चुके हैं। नारायण नारायण। नहीं, भैया ने जरूर कोई चालाकी की है। चालाकी नहीं, बुद्धिमानी। नारायण नारायण। अच्छा भैया, अगर आप सचमुच दुनिया के तीन चक्कर लगा के आए हैं तो बताइए आपने क्या क्या देखा। सात महाद्वीप, चारों महासागर, हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे लंबी नील नदी देखी। और बताऊं? बस बस, आप विजयी हुए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक छोटी सी युक्ति से। परंतु आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा छोटा भाई भी कुछ कम नहीं। वास्तव में आज के इस स्पर्धा के सच्चे विजेता तो तुम ही हो।